नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम ने ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं और नालंदा में पुल का किया उद्घाटन। राज्य के सभी स्कूलों के भवन का होगा जीर्णोद्धार। बिहार के इन चार जिलों में राज्य सरकार मेट्रो रेल सेवा के लिए करवा रही है सर्वे। आरा से पटना, बक्सर और सासाराम के यात्रियों को मिलेगी वंदे भारत मेट्रो की सौगात। जोगिंदर शर्मा और माही के खास मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इन चार जिलों में राज्य सरकार मेट्रो रेल सेवा के लिए करवा रही है सर्वे। राज्य सरकार पटना के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रेलवे कंपनी को राज्य सरकार ने मेट्रो रेल की संभावनाएं तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी है। आगामी चार महीने के भीतर इन चारों शहरों में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस सर्वे के बाद यह पता चलेगा कि इन सभी शहरों में वे कौन से प्रमुख स्थल हैं जहां मेट्रो सेवा की जरूरत है, साथ ही मेट्रो के लिए संभावित रूट क्या क्या हो सकते हैं। नामांकन समाप्त, लेकिन आईआईटी और एनआईटी की खाली रह गई कई सीटें। देश के बड़े तकनीकी संस्थानों जैसे कि आईआईटी और एनआईटी में नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी पटना में आईआईटी के 20 तो वहीं एनआईटी की 122 सीटें खाली रह गई। इन सीटों पर बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया। एनआईटी पटना में 941 सीटों में महज 819 सीटों पर ही दाखिला हो सका है। वहीं आईआईटी पटना में 817 सीटों में से 797 सीटों पर ही दाखिला हो सका है। सीट मैट्रिक्स ने जानकारी दी है कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी सहित 98 कॉलेजों की 13,467 सीटें खाली हैं। सीएम ने ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं और नालंदा में पुल का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश ने आज ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार मौजूद रहे। अब नवादा स्थित ककोलत जलप्रपात में प्राकृतिक कुंड, चेंजिंग रूम, कैफेटेरिया, प्रशासनिक भवन, पर्यटक सूचना केंद्र, अमानती घर, पार्किंग, शौचालय जैसी कई सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिला नालंदा में हरनौत के द्वारिका बिघा में नवनिर्मित पुल का भी उद्घाटन किया है। इस पुल का निर्माण 5 करोड़ की लागत से किया गया है। पुल के निर्माण से कई गाँवों का जुड़ाव होगा, जिसका लाभ ग्रामीणों और किसानों को मिल सकेगा। फर्जी आधार कार्ड बनाने के रैकेट का खुलासा, बेऊर जेल से था कनेक्शन। बिहार एसटीएफ की छापेमारी के बाद फर्जी आधार कार्ड बनाने के रैकेट का खुलासा हुआ है। इन फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले रैकेट का संबंध बेऊर जेल में बंद कई अपराधियों से है। मामले का पता चलते ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान कई बड़े खुलासे हुए। इस मामले में पता चला कि बेऊर जेल में बंद दो अपराधी शिवम और सुजीत ने थाना के अंतर्गत आउंटा गांव के रहने वाले नवनीत कुमार को फर्जी आधार कार्ड बनवाने को कहा था। आपको बता दें कि ये तीनों दोस्त हैं। इन्होंने शास्त्री नगर थाना के शिवपुरी के कपिला कॉम्प्लेक्स स्थित लगन स्टूडियो नाम की दुकान में कई फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं। इस मामले में आयुष और नवनीत दोनों को जेल भेजा जा चुका है। राज्य के सभी स्कूलों के भवन का होगा जीर्णोद्धार। राज्य के सभी स्कूलों के भवन का जीर्णोद्धार होगा, जिसमें क्षतिग्रस्त खिड़की, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत के साथ ही स्कूल भवन की रंगाई की जाएगी। इसके अलावा पेयजल, बिजली और शौचालय की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त किए जाए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से उपस्थिति बनाने के लिए भी निर्देश दिए।
दरभंगा में जल्द अत्याधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण कार्य होगा शुरू। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात करने के बाद जानकारी दी है कि दरभंगा में अत्याधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा। सांसद ने कहा कि 918 करोड़ से 78 एकड़ भूमि पर नए टर्मिनल भवन सहित अन्य अवसंचार के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। निर्माण कार्य अलुवालिया कंस्ट्रक्शन को आवंटित किया गया है। आरा से पटना, बक्सर और सासाराम के यात्रियों को मिलेगी वंदे भारत मेट्रो की सौगात। आरा से पटना, बक्सर और सासाराम की दैनिक यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आने वाले 2 महीने में आरा जंक्शन होते हुए डीडीयू से झांझा और पटना जंक्शन से सासाराम तक वंदे मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। दरअसल सितंबर के अंत में या अक्टूबर में रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर उतारने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत कोच का ट्रायल चल रहा है। उम्मीद है कि पूर्व मध्य रेलवे को 20 रेक मिले। इस ट्रेन के पटरी पर दौड़ने की योजना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संसद में साझा की थी। सासाराम में पहुंचने वाले सैलानियों को झरने और वाटरफॉल से दूर रहने की अपील। शनिवार और रविवार को रोहतास वन प्रमंडल ने भारी बारिश की संभावनाओं के बीच रेड अलर्ट जारी किया है। यहां आने वाले सैलानियों को वाटरफॉल, झरना और पहाड़ी कुंड से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। डीएफओ मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा 3 और 4 जुलाई को अत्यधिक वर्षा होने का अलर्ट मैसेज दिया गया है। साथ ही सावन मेला में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्र में ध्यानपूर्वक जाने की बात कही गई है। पटना नगर निगम कचरा वाहन का पता लगाने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट की कर रहा है शुरुआत। नगर निगम द्वारा चकाचक पटना अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा की शुरुआत की गई है। इस चैटबॉट के जरिए आप घर बैठे ही घर, गली या मोहल्ले में कचरा वाहन के लोकेशन का पता लगा सकेंगे। इस व्हाट्सएप चैटबॉट का नंबर भी नगर निगम द्वारा जारी कर दिया गया है। यदि आपके घर तक कचरा वाहन नहीं पहुँचता है तो आप इसी नंबर के जरिए उनकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट पर लोकेशन के जरिए आप यह भी पता लगा सकेंगे कि कचरा वाहन आपके घर से कितनी दूरी पर है और कब तक वह आपके घर पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि पटना शहर की स्थिति साफ सफाई के मामले में पहले से बेहतर हो सके, इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। बिहार के इन नदियों में जल स्तर बढ़ने की संभावना के बीच मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। बिहार में पूरी तरह से मॉनसून सक्रिय होने के बाद कई जिलों में झमाझम बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक निचले स्तर के कोसी, महानंदा, पुनपुन, सोन नदी और दक्षिण बिहार की कई छोटी नदियों के साथ गया जिले के फल्गु नदी का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना है। जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। बिहार के 12 जिलों को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना से जुड़े हैं 7000 किलोमीटर स्कॉटलैंड में स्थित पटना का इतिहास। क्या आपको पता है कि पटना से 7000 किलोमीटर की दूरी पर स्कॉटलैंड में एक और पटना है। दरअसल इस पटना की जानकारी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी है। इसका इतिहास भी पटना से ही जुड़ा है। उन्होंने स्कॉटलैंड में स्थित पटना गांव में खड़े होकर बताया कि इसका नाम एक ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व सिपाही ने रखा था जो बिहार में रहकर आया था। उस सिपाही ने इस गांव को बसाया और इसका नाम पटना के नाम पर रखा। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे अपनी रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक पार्टी से जुड़े, हालांकि अब वे राजनीतिक छोड़कर कथावाचक बन गए हैं। इस वीडियो में भी वे भगवा वस्त्र धारण किए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी मृत्यु के बाद नेत्रदान का किया ऐलान। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अपनी मृत्यु के बाद नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। नंदकिशोर यादव के स्वैच्छिक नेत्रदान की घोषणा राष्ट्रीय अंगदान दिवस के पूर्व संध्या पर शुक्रवार के दिन दधीची देहदान समिति द्वारा की गई है। समिति की घोषणा के बाद संस्था ने नंदकिशोर यादव को सम्मानित भी किया। इस सम्मान समारोह का आयोजन बिहार
विधानसभा के मुख्य भवन स्थित वाचनालय में हुआ था। मालूम हो कि दधीची देहदान समिति लोगों को नेत्रदान और अंगदान के लिए जागरूक करती है। आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तेजस्वी समेत कई नेताओं ने जताई असहमति। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में एससी एसटी को दिए जा रहे आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एससी एसटी जनजाति समुदाय के आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाए, ताकि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर समर्थ हो चुके हैं उनके हिस्से का आरक्षण कमजोर तबके को मिल सके। लेकिन इस आदेश का बिहार में कई लोग विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान, शांभवी चौधरी, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और गैर बराबरी दूर करने के लिए आरक्षण दिया था, इसमें आर्थिक आधार या क्रीमी लेयर जैसी शर्तें मंजूर नहीं करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने सीधे कह दिया है कि वे इस फैसले से असहमत नहीं हैं। पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा के लिए जेट सिक्योरिटी की मांग। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री को मैं 10 बार चिट्ठी लिख चुका हूं, सीएम नीतीश कुमार से भी आग्रह कर चुका हूं कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। उन्होंने इस दौरान जेट सिक्योरिटी की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि मेरे परिवार वालों को भी धमकी मिल रही है। उन्हें धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि वे संसद में बालू माफिया, मेडिकल माफिया, ड्रग्स माफिया सबका मुद्दा उठा रहे हैं। जोगिंदर शर्मा और माही के खास मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने साल 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इस समय टीम में तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि जोगिंदर शर्मा लंबे समय तक टीम इंडिया में नहीं रह सके और टीम से बाहर हो गए। अब सालों बाद जोगिंदर शर्मा ने धोनी से मुलाकात की। दोनों ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। इस फोटो में जोगिंदर वर्दी पहने हुए तो वहीं धोनी अपने नए लुक में नजर आ रहे हैं। जोगिंदर शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए लिखा है कि काफी लंबे समय बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा माही। आपको बता दें कि जोगिंदर अभी हरियाणा पुलिस के साथ DSP है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुतों लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नौशाद रजा, मुन्ना प्रसाद, दीपक कुमार, वेद प्रकाश सिंह, रवि कुमार, राजकिशोर महतो, शंकर कुमार गुप्ता, सादुल्लाह पालवी, ओमकार सिंह, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके पसंदीदा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।